देखिए गेलू खा रहा है और साथ में मम्मी भी खा रही है और बाबूजी तो खा के थोड़ा बाहर गए हैं, तो अभी हम खाएंगे। देखिए हमारे लिए ये और भाभी के लिए ये। चलिए खाना शुरू करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है। बढ़िया बनी है। आप लोग घर में जरूर ट्राई करना। ये हमारा उड़िया घर का गोईठा गुड़ी पिठा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज एक घर में बनाएंगे एक मजेदार रेसिपी, गोईठा गुड़ी पिठा। तो चलिए, तो गोईठा गुड़ी पिठा बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया है मम्मी ने दिखाते हैं आप लोगों को। तो चावल को बना के, चावल को पेस के वो चूना बनाया है। तो ये हमारा घर का उड़िया घर का गोईठा गुड़ी पिठा है। तो ये मीठा रेसिपी है, तो आप लोग इसे पानी काकरा भी बोल सकते हो। चलिए बनाते हैं, चूल्हे में बनाएंगे, एकदम मस्त बनाएंगे, आज बनाएगा मम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं गोईठा गुड़ी पिठा बनाना। आज बनाएंगे गोईठा गुड़ी पिठा, उड़िया घर का रेसिपी गोईठा गुड़ी पिठा। तो आप लोग बोल सकते हो पानी काकरा। तो देखिए मम्मी कैसे बना रहा है। हमारा घर में कारण नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये टॉर्च, देखिए ये टॉर्च का लाइट जल के बना रहे हैं। पहले मम्मी ने पानी गर्म कर लिया, उसके ऊपर चीनी और नमक दे दी और साथ में वो नारियल का जो कूड़ा हमने रखा था तो वो डाल दिया। तो आप लोगों को शायद वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कारण नहीं है घर में। तो आज का वीडियो शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए फिर बनाना तो पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए गोईठा गुड़ी पिठा कैसा बनता है, उड़िया घर का गोईठा गुड़ी पिठा। और इसे आप बोलोगे, बोल सकते हो पानी काकरा। दिखाएंगे आप लोगों को पानी काकरा कैसे बनाना है। ये जो हम बना रहे हैं जो रेसिपी, ये है गोईठा गुड़ी पिठा, ये उड़िया घर का स्पेशल पिठा है। तो आप लोगों को दिखाएंगे गोईठा गुड़ी पिठा कैसे बनाते हैं। तो पहले मम्मी ने पानी गर्म कर लिया, उसके साथ में नमक और चीनी डाल दी और ऊपर और नारियल का जो हमने कूर के रखा था, नारियल का कूरा, तो उसके ऊपर डाल दिया है। और उसके ऊपर डालेगा चूना, ये देखिए चावल का चूना। पानी फट गया। देखिए मम्मी ने डाल दिया है चूना। इसको हम लोग खड़ी बनाएंगे। देखिए खड़ी तो बन चुकी है, बस इसे थोड़ा निकाल लेते हैं गावला में। तो इसे निकालने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद तो हम बनाएंगे पानी काकरा गोईठा गुड़ी पिठा। ये एक मीठा रेसिपी है, बहुत मीठी मीठी बनती है। जाती देखिए गेलू खा रहा है चूना। ये देखिए मम्मी वो कटोरी में रखा है चूना, तो गेलू लेके खा रहा है चूना।
हंस रहा है। अब चूना मत खा, चूना खाना। फिलहाल हमारा खड़ी ठंडा हो चुकी है, बस इसे बनाना है पिठा। देखिए गोइठा गुड़ी पिठा कैसे बनाते हैं उड़िया घर में। उड़िया घर का गोइठा गुड़ी पिठा कैसे बनाते हैं तो देखिए, देखिए मम्मी कैसे बना रहा है। तू करू नहीं गोटे गोटे कर ये देखिए ये देखिए गोइठा गुड़ी पिठा तो हमने बना लिया है। बस अभी डालना है इस पानी में, पानी तो गर्म हो चुकी है, बस इस पानी में डालना है और चीनी फिनी में सब सारे सामान डाल के एकदम फुटाना है 5-10 मिनट। उसके बाद बन जाएगा हमारा गोइठा गुड़ी पिठा, जिसे हम बोलते हैं पानी काकरा, दूध का काकरा भी बोल सकते हो, पानी काकरा, दूध काकरा। दूध में बनाओगी तो दूध काकरा बन जाएगा, तो पानी में बनाओगी तो पानी काकरा बन जाएगा। तो इसे हम उड़िया में, सिर्फ उड़िया में बनाते हैं गोइठा गुड़ी पिठा, तो इसलिए इसका नाम आज देंगे हम गोइठा गुड़ी पिठा। हमारा आज दिन भर एकदम टाइम एकदम इतना बुरा चल रहा है कि जिस काम में हम लोग हाथ दे रहे हैं तो वही तो खराब होता जा रहा है। ये दिन भर एकदम हमारा किस्मत एकदम खराब ही खराब चल रहा है, क्योंकि कारण नहीं है। अभी वीडियो बनाने के लिए आ गए तो कारण नहीं है, तो कारण करंट था तो अभी ठीक वीडियो बनाने का टाइम करंट चला गया, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर बुरा लगेगा तो डिसलाइक करना। और ज़रूर बताना कमेंट में ये पिठा कैसा बना और आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। तो अभी डाल देते हैं पिठा को पानी में। देखिए मम्मी डालना शुरू कर दिया है वो पानी में, पानी तो गर्म हो चुकी है। बस ऐसे ही आप लोगों को अगर आप लोग बनाओगे तो उड़ीसा का गोइठा गुड़ी पिठा तो ज़रूर बनाना, बढ़िया बनती है। थोड़ा चीनी ज़्यादा देना और इसके साथ में जितना दूध दे सके तो दूध दीजिए। देखिए हमने पाउडर वाला दूध लिया है, ठीक है।
बस इसका ऊपर नारियल। ना ना हाथों करो देखिए, मम्मी चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी थोड़ा जो पानी है थोड़ा गाढ़ा बनने लगी है, तो बस अभी डाल देते हैं चीनी क्योंकि पानी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो इस टाइम चीनी डाल देते हैं तो ये घुल मिल जाएगा। देखिए फाइनली हमारा गोइंठा गुड़ी पिठा बन के रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितना सुंदर बनी है, कितना सुंदर और ग्रेवी भी बनी है। तो चलिए खाते हैं सारे परिवार मिलके, बस आप लोग भी घर में बना के खाइए। ये उड़िया घर का रेसिपी है, मीठा रेसिपी उड़िया घर का गोइंठा गुड़ी पिठा। तो आप लोग पानी काकरा भी बोल सकते हो क्योंकि इसे हम लोग पानी में बनाते हैं तो इसलिए पानी काकरा बोलते हैं, तो उड़ीसा में तो इसे गोइंठा गुड़ी बोलते हैं। चलिए ये पिठा का नाम हम दे देते हैं गोइंठा गुड़ी पिठा। देखिए गेलू कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, देखिए गाल में हाथ डाल के और चमचा में तो गोइंठा गुड़ी को थोड़ा मिला रही है। देखिए गेलू खा रहा है और साथ में मम्मी भी खा रही है और बाबूजी तो खा के थोड़ा बाहर गए हैं, तो अभी हम खाएंगे। देखिए हमारे लिए ये और भाभी के लिए ये, चलिए खाना शुरू करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है और कितना कैसा लगी है और ये जो है गोइंठा गुड़ी पिठा कैसा लगती है, तो आप लोगों को बताएंगे खा के। फाइनली दिखाते हैं आप लोगों को कैसा टेस्ट है और कैसा बनी है, ये देखिए। बढ़िया बनी है, आप लोग घर में जरूर ट्राई करना। ये हमारा उड़िया घर का गोइंठा गुड़ी पिठा, पिठा तो मस्त बनी थी, तो गोइंठा गुड़ी पिठा तो जिसे हम बोलते हैं पानी काकरा, तो पानी काकरा बनाए घर में और खाए। और अगर ये वीडियो शायद आप लोगों को जो बनाने का प्रोसेस है शायद थोड़ा मतलब वो अंधेरा था तो इसलिए हम लोग ठीक से नहीं बना पाए, तो देखिए अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। हमारा गोइंठा गुड़ी पिठा कितना सुंदर बनी है, देखिए कितना सुंदर बनी है। तो